हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। जब चावल को मध्यम आंच पर घी में गैस पर भूना जाता है तो इससे इसका कलर भी चेंज हो जाता है और जब हम इसे खीर बनाकर तैयार करते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुषमा और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ खीर की रेसिपी, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कटोरी में चावल लिए हैं, यहाँ पर आधी कटोरी भरकर मैंने चावल लिए हैं, यहाँ पर मैंने आधा कटोरी भरकर चावल लिए हैं। अब देखिए मैं इस कप से आपको दिखा देती हूँ, ये चावल हैं आधे कप से थोड़े कम। इस कप का इस्तेमाल इसलिए करेंगे क्योंकि हमें दूध भी माप कर डालना है, जिससे कि जो लोग खीर बनाना नहीं जानते वो भी माप कर दूध डाल सकें और अच्छे से खीर बना कर तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हम चावल को साफ़ कर लेंगे, इसके लिए पानी डालेंगे और चावल को 2 से 3 बार पानी से साफ़ कर लेंगे। हमेशा चावल को इस्तेमाल करने से पहले 2 से 3 बार इसे पानी से ज़रूर साफ़ करना चाहिए, जिससे कि इसमें जो पाउडर वगैरह मिक्स किया जाता है जिससे कि चावल में कीड़े नहीं लगते वो साफ़ हो जाता है। तो चलिए चावल को साफ़ करने के बाद इसका पानी पूरी तरह से निकाल देंगे। अब हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे, फ्लेम को रखेंगे मध्यम और इस पर हमें चावल डालकर इसमें भून, इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे जिससे कि चावल बहुत ही बढ़िया से भूनकर तैयार होंगे। फ्लेम को यहाँ पर मध्यम रखा है। अब देखिए क्योंकि चावल हल्के से गीले रहते हैं इसलिए इनको लगातार चलाकर ही भूनेंगे, क्योंकि हल्के हल्के से कढ़ाई में चिपकते हैं इसलिए इसे लगातार चलाते रहें। साथ ही डालेंगे इसमें हल्का सा घी, थोड़ा सा घी, आधा छोटा चम्मच, और इसको अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इनका हल्का सा कलर ब्राउन हो जाए। बहुत ही ज़्यादा कलर ब्राउन नहीं करना है आपको, हल्का सा ज़रा सा, जब ये ब्राउन कलर पर आ जाएंगे उस समय हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। नॉर्मली जब हम खीर बनाते हैं तो चावल को साफ़ करके दूध में डालकर पकाते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से भी खीर बनाकर तैयार करेंगे तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आने वाला है और ज़रूर ट्राई करिए। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अब देखिए यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और हल्का सा लाल कलर आ गया है चावलों में। अब हम इसमें डाल देंगे दूध। यहाँ पर क्योंकि हम बहुत ही कम क्वांटिटी में बना रहे हैं इसलिए मैंने डायरेक्ट ही दूध इसी में डाल दिया है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में खीर बनाकर तैयार करते हैं तो उस समय आप बाजू वाले बर्नर पर दूध रखिए और उसे उबलने दीजिए, उबलने के बाद ही चावल उसमें डालिए। लेकिन कम क्वांटिटी है इसलिए हमने यहीं पर इसमें दूध डाल दिया है, और क्योंकि ये जल्दी ही उबलने लगेगा। और इस तरह से हम इसमें 4 कप दूध डालेंगे। अब देखिए क्योंकि दूध की क्वांटिटी कम थी तो 2 से 3 मिनट में ही इसमें उबाल आ चुका है। उबाल आने के बाद हम गैस की आँच को बिल्कुल धीमा कर देंगे और धीमी आँच पर हमें खीर को पकाना है। क्योंकि हमने खीर को बनाने के लिए भुने हुए चावल का इस्तेमाल किया है इसलिए इन चावलों को पकने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। खीर को हमें धीमी आंच पर ही पकाना है। 7 से 8 मिनट बाद इसको फिर से चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर खीर गाढ़ी हो गई है, और इस समय मैं देख लेती हूँ कि चावल पके हैं कि नहीं इस तरह से, क्योंकि चावल अभी भी मिक्स नहीं हुए हैं दूध में। चावल पक गए हैं लेकिन अच्छे से मिक्स नहीं हुए हैं, तो इसे थोड़ा सा और पकाते हैं। 3 से 4 मिनट बाद हम खीर को फिर से चेक करेंगे। इस समय आप देख सकते हैं कि चावल और दूध अच्छे से मिक्स हो गए हैं, और इस समय हम इसमें डालेंगे शक्कर। शक्कर को पहले बिल्कुल नहीं डालेंगे, जब चावल में दूध अच्छे से मिक्स हो जाए, एक सार हो जाए, उसके बाद ही हमेशा चीनी डालनी चाहिए। इससे खीर बढ़िया तैयार होती है और एकदम उसमें चिकनापन और क्रीमीनेस आ जाती है। और अब हम फ्लेम को तेज कर देंगे और तेज फ्लेम पर हमें शक्कर को घुलने तक पकाना है। जैसे ही शक्कर मेल्ट हो जाती है, घुल जाती है, हम इसे 2 मिनट और चलाएंगे हाई फ्लेम पर ही, जिससे कि शक्कर अच्छे से पक जाए। उसके बाद हमें गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। इसके साथ ही हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ करने के बबाद इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। तो मैंने 3 से 4 इलायची ली थी और उसका बना लिया है पाउडर। अब इलायची पाउडर इसमें मिक्स कर देते हैं। कभी कभी खीर ठंडे हो जाने के बाद हल्की सी गाढ़ी हो जाती है, उस समय आप इसमें थोड़ा सा उबला दूध डाल सकते हैं और इसकी कंसिस्टेंसी को ठीक ठीक कर सकते हैं। तो चलिए अब गैस की फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद इसको साइड में रख देते हैं। अब हम डालेंगे इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट को हम घी में सेक कर डालेंगे, इससे ड्राई फ्रूट में क्रंच आ जाता है और इसका टेस्ट अच्छा लगता है। बहुत ही कम घी का इस्तेमाल करेंगे ड्राई फ्रूट को भूनने के लिए, और ड्राई फ्रूट को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है। फ्लेम को यहाँ पर धीमा कर देंगे, जैसे ही घी गर्म हो जाएगा हम फ्लेम को धीमा कर देंगे और धीमी फ्लेम पर ड्राई फ्रूट को भून लेंगे।
आंच को बिल्कुल धीमा रखेंगे और धीमी आंच पर ड्राई फ्रूट को भूनेंगे, जिससे कि ड्राई फ्रूट अच्छे से क्रंची हो जाए, कड़क हो जाए। और जैसे ही ड्राई फ्रूट भून कर तैयार हो जाएंगे, हम इसको खीर में डाल देंगे। ड्राई फ्रूट डालने के बाद खीर तैयार है सर्विंग के लिए। आप बस इसे एंजॉय करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। साथ ही रेसिपी से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। अगर आप इसका स्वाद दोगुना करना चाहते हैं तो इसे हल्का सा ठंडा करने के बाद सर्व करें, इसका टेस्ट दोगुना हो जाएगा। रेसिपी से रिलेटेड अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी। आगे भी ऐसी ही सिंपल रेसिपी के लिए मेरे चैनल पर मेरे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।